सायना नेहवाल की धमकी बाद उनके पिता को मिली खेल गांव में प्रवेश करने की अनुमति। भारतीय ओलंपिक संघ IOA महिला बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल के पिता को खेल गांव में प्रवेश देने पर सहमत हो गया है। उनकी राष्ट्रमंडल खेल की आधिकारिक मान्यता की पुष्टि कर दी गई है। सायना अपने पिता को खेल गांव में प्रवेश नहीं देने से काफी नाराज हो गई थी और उन्होंने IOA को एक ईमेल भेजकर राष्ट्रमंडल खेलों से हटने तक की धमकी दे दी थी। उन्होंने अपने मेल में लिखा था, एक अधिकारी के रूप में अगर मेरे पिता को मान्यता नहीं दी जाती है तो मैं मैच नहीं खेलूंगी। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता सायना ने सोमवार को अपने पहले ट्वीट में लिखा, यह देखकर हैरान हूं कि जब राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत से शुरुआत की तो मेरे पिता के नाम की टीम अधिकारी के रूप में पुष्टि की गई थी, लेकिन जब हम खेल गांव पहुंचे तो पता चला कि उनका नाम टीम अधिकारी की श्रेणी से गायब है और वे मेरे साथ रुक भी नहीं सकते हैं। मैच से पहले विवाद को बढ़ता देख IOA मंगलवार को सायना के पिता हरवीर सिंह को खेल गांव में प्रवेश देने पर सहमत हो गया। IOA के इस फैसले के बाद सायना के पिता अब अपनी बेटी का मैच देख सकते हैं। सायना ने इस फैसले के लिए IOA को धन्यवाद दिया और कहा, इतने कम समय में मेरा समर्थन करने और मेरे पिता को खेल गांव में प्रवेश देने के लिए आपका शुक्रिया। इस विवाद के लिए मैं माफी मांगती हूँ और अब मुझे उम्मीद है कि हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा।